पैनल स्क्रीन पर। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड रहेगी? गुड आफ्टरनून रियो। स्टॉक जो मैंने चुना है वो भी बाय साइड का है और वो है आईसीआईसीआई प्रू। नाउ आईसीआईसीआई प्रू का बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करीब 5-7 दिनों से एक साइडवेज मूव है और आज एक मूव थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है। ट्रेड करा है 530 में, टॉप होगा 525, 5 रुपए का टारगेट 540 के नजर आते हैं आईसीआईसीआई प्रू। ओके, 540 के लिए आईसीआईसीआई प्रू में तेजी का मौका। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड का रहेगा भारतीय एयरटेल के मार्च के फ्यूचर्स में। भारतीय एयरटेल के मार्च के फ्यूचर्स मुझे लग रहा है 1100 तक जाएंगे, तो अभी 10 रुपए का और फर्दर फॉल है। यहाँ पे ऑलरेडी काफी आ चुका है फॉल, लेकिन 10 रुपए जितना मूवमेंट और आ सकती है। तो यहाँ पे 1116 पे SL लगाएंगे और 1100 का एंड 1095 का टारगेट रखेंगे। भारतीय एयरटेल पे आपकी शॉर्ट कॉल है यहाँ पे रचना जी की। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी देखिए, एम्फेसिस में बिकवाली करने की राय रहेगी। एम्फेसिस अगर आप देखेंगे तो 28-25 से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। कल 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, आज 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो एम्फेसिस के मार्च के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 26-20 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। इस फ्यूचर में आप एक शॉर्ट ट्रेड लीजिए 26-56, 2656 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 2550 2550 के टारगेट सेट करने हैं एम्फेसिस के फ्यूचर में। ओके, एम्फेसिस, ये हो गई मानस के पिक। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड? मेरा बाय में रहेगा कोलपाल में। मुझे यहाँ पे लगता है अच्छा सेटअप है, 2500 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है तो 2600 के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो आप यहाँ पे 2490 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे मार्च के फ्यूचर्स में बाय कीजिए, जो रफली अराउंड 2526 अभी ट्रेड कर रहा है। एंड फॉर टारगेट्स ऑफ 2580 से 2600, किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 2500 का कॉल ऑप्शन मार्च में जो रफली 80 रुपीज़ का अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 70 के नीचे जस्ट रखिए और यहाँ पे भी मुझे लगता है 95 से 98 के टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको 2500 के कॉल में भी दिख रही है, वरना अगर आप सीधे फ्यूचर्स में खरीदना चाहते हैं 2580 और 2600 के लिए एक अपॉर्चुनिटी इस समय है। तेजी की पोजीशंस आप लेकर चले कोलगेट पामोलिव में। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी वेरी गुड आफ्टरनून। SBI कार्ड्स में बिकवाली की सलाह रहेगी तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड रहेगा, क्योंकि स्टॉक में जो रिसेंट पुलबैक मूव आया था उसमें हमने देखा कि कोई भी सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ नहीं नजर आई थी, वॉल्यूम के साथ में बाइंग नहीं, और आज फिर से डाउनवर्ड मोमेंटम स्टॉक ने रिज्यूम किया। RSI ने भी नेगेटिव क्रॉस ओवर किया है तो यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन बनाइए। कैश लेवल्स में दे रहा हूँ वो रिफर करके आप मार्च मंथ के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। सो 728 के स्टॉप लॉस और 695 के टारगेट्स, ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। SBI का सेल, तो यहाँ पे इस कैरेक्टर में अब तक जो कॉल्स गई उसमें ज़्यादा झुकाव जो है, याद रखिएगा, वो सेल साइड पे है। आशीष चतुर्मोता आज हमारे साथ मौजूद है इस कैरेक्टर में, फंडामेंटलों पे बातचीत हमारे साथ करेंगे। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, कल एक्सपायरी माइनस वन डे पे जो हुआ, आप लोगों ने, आई थिंक आपकी डेरिवेटिव टीम्स ने उसको कैसे रीड किया? थोड़ा बाजार अनकंफर्टेबल न्यूज़ फ्लोज के चलते कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप पे है, इसने थोड़ा ब्रेथ को भी बिगाड़ा है पिछले दो सेशन से। आप ओवरऑल बाजार को रीड कैसे कर रहे हैं और अगर इस प्राइस पे कंफर्टेबल हैं तो चीज क्या करेंगे आप आज? गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून हर्षदा, अनुज। देखिए, मेरे हिसाब से मार्केट में आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी एक साइडवेज ट्रेंड बना हुआ है और उसके कारण बहुत से हैं। हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप में भी एक प्रॉफिट बुकिंग बन रही है, बट कहीं ना कहीं कुछ लार्ज कैप ऐसे स्टॉक्स है जो कंटिन्यूसली अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, चाहे वो रिलायंस हो या ऑटो बास्केट में हम महिंद्रा महिंद्रा मारुति की बात करें, तो ये ओवरऑल को बाजार को एक स्टेबिलिटी दे रहा है और मुझे लगता है बाजार को कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रखेंगे। हम जानते हैं कि अभी इस समय पे अगर से आप FI लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी देखेंगे तो वो थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे है, तो इस लेवल पे फ्रेश लॉन्ग शॉर्ट का बढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि बाजार एक टाइट रेंज में इस समय रह सकता है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि बाजार कहीं ना कहीं 2100-2500 नीचे पे एक बेस बनाएगा और ऊपर में जब तक 2200 के ऊपर नहीं निकलता तब तक एक साइडवेज ट्रेंड मेरे हिसाब से बरकरार रहेगा। तो ये मुझे लगता है कोई वीकनेस नहीं, पर एक साइडवेज ट्रेंड का मैं एक्सपेक्टेशन हमें लगता है बाजार में बनी रहेगी। अब जहां तक स्टॉक पिक का बात है तो हमें लगता है ऑटो स्पेस में मारुति हमें काफी पसंद है और डिस्क्लेमर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में काफी लंबे समय से और इसको हम अभी भी बहुत पॉजिटिव व्यू के साथ देखते हैं। लेवल्स की बात करूं तो पहले लेवल की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट वीकली और मंथली चार्ट्स पर 10,000
900 के ऊपर इस स्टॉक में हुआ है, और अगर से इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करूं तो 6 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद 2017 दिसंबर में स्टॉक ने करीब 9900-10,000 के ऑल टाइम हाई बनाए थे, उसके बाद ऑलमोस्ट 6 साल लगे इस ऑल टाइम हाई को वापस डिसाइसिवली क्रॉस करने के लिए। मुझे लगता है ये जो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन मारुति में चल रहा है ये एक तरीके का एक प्रॉफिट बुकिंग है, बट इवेंचुअली स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जाएगा और कहीं ना कहीं 12,500-13,000 के जो लेवल्स है वो पोजिशनली मैं समझता हूँ मारुति के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। अब इनके मूलतः कुछ कारण है, एक तो आप देखेंगे कि मारुति ने जो अपने आप को प्ले किया है वो सिर्फ ईवी के ऊपर फोकस नहीं रखा है, इन्होंने हाइब्रिड सेगमेंट में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सीएनजी के सेगमेंट में जब एक समय पे 2019 में इनकी करीब 1 लाख गाड़ियां बेचते थे, आज वही नंबर करीब 5 लाख गाड़ियों का हो गया, तो आप देखेंगे कि एक बड़ा मार्केट शेयर मारुति का सीएनजी सेगमेंट के अंदर में, और साथ ही साथ न्यू लॉन्चेस के साथ एसयूवी सेगमेंट में भी इन्होंने एक अच्छी पकड़ बनाने की अब कोशिश की है। तो हमें लगता है कि समय पे जो मारुति का मार्केट शेयर 50% था जो गिर के 40% के आसपास आ गया था, वो धीरे धीरे एक रिकवरी आना शुरू हुई है, 43-44% के आसपास मारुति का मार्केट शेयर बन रहा है और मार्केट शेयर गेन में। साथ ही साथ हमें लगता है कि एबिटा मार्जिन जो है वो आपको आप कहीं ना कहीं 11% के आसपास फाइनेंशियल ईयर 25 में आएगी, और वॉल्यूम ग्रोथ हमें लगता है आने वाले 3 सालों में 8% की वॉल्यूम ग्रोथ मारुति के अंदर में देखने को नजर आएगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं 15-16% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगा। इस सब को ध्यान में रखूं तो हमें लगता है कि मारुति एक बहुत ही रीजनेबल पी मल्टीपल पर इस समय पे ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड बेसिस पे, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फंडामेंटली बहुत पॉजिटिव है, और टेक्निकली जैसे मैंने कहा आपको 6 साल के ब्रेकआउट के बाद मारुति के अंदर में तेजी आई है, तो ये जो डिप आ रही है मुझे लगता है इसको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी मारुति के स्टॉक के अंदर में लॉन्ग पोजिशन बनाने के लिए। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मारुति के शेयर में लॉन्ग बनाने की, तो देखिए इक्वल है ना।